उत्तराखंड का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। सीएम ने कांग्रेस को शेर के खाल में छुपा हुआ गीदड़ बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हर चीज का केवल विरोध करते हैं और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जनता इसको समझ चुकी है। तो जनता कांग्रेस को समझ चुकी है। आपको बता दें कि आज काला ढूंगी पहुंचे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहां पर आकर आज उन्होंने खिली धूप में जनता को संबोधित किया और अपने संबोधन में सीएए को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता को भ्रम में डाल रही है। ना सिर्फ जनता को भ्रम में डाल रही है बल्कि हिंसा की गतिविधियों में भी इस तरीके से शामिल कर रही है लोगों को भ्रम फैलाकर। उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, लेकिन दूसरे नजरिए से विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस इसे लोगों के सामने पेश करना चाहती है ताकि अपना चुनावी फायदा ये उठा सके। तो हर चीज पर विरोध करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, ये कहना था दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। ये तस्वीरें काला ढूंगी की हल्द्वानी उसी कांग्रेस का 135वां साल ये कलकत्ता में जाके मना रहे हैं और वहां पर सीएए का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं बना रहा हूं, तू इनके चेहरे से पर्दा हट गया है, इनके चेहरे से पर्दा हटाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा किया है। इनकी असलियत देख लो, ये शेर के वेश में इन भेड़ियों से बचिए, ये भेड़िए देश को नोच के खाने वालों से बचिए। वो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिन्हें बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है।